अगर अलग अलग कर दें तो काव्य, काव्य का अर्थ कविता, यही ना बाबू। अब कविता क्या है गौर कर लीजिएगा, कविता कौन है? यदि हम कल्पना की दृष्टि से देखें तो किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है। अब यदि हम क्षण भर के लिए इस काव्य को एक स्त्री मान लें या पुरुष मान लें, तो हर कोई अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहता है। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कुरूप दिखाना चाहता हो। और सौंदर्य, सौंदर्य का तात्पर्य सुंदरता। अब काव्य के कविता की सुंदरता को बढ़ाने के तत्व, यानी वह कोई वस्तु है जिससे कि सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है ना बाबू, तो वह तत्व क्या हैं? वे तत्व क्या हैं जिससे कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है? तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार, यह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब जिस प्रकार कहा है तुलसीदास जी ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति पृथ्वी, जल पानी, गगन आकाश, पावक अग्नि और समीर वायु, ये क्या हैं? तत्व हैं। यदि अलग अलग हैं तो ये क्या हैं? तत्व हैं। और जब ये सभी मिल गए तो किसका निर्माण हो गया? शरीर का निर्माण हो गया। उसी प्रकार रस, छंद और अलंकार काव्य के क्या हैं? काव्य सौंदर्य के तत्व हैं जो मिलकर के काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इतना क्लियर बाबू? अब आगे बढ़ते हैं। रस, रस क्या है? पहले रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? निचोड़ है, यानी कि जिस अंतिम निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं वही क्या है बाबू? निचोड़ है। जो हमारा अंतिम निष्कर्ष निकलता है, जो अंतिम निर्णय लेते हैं, वही क्या है? निचोड़ है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़। क्षण भर के लिए रस को हम अगर साधारण शब्दों में देखें तो रस कोई मिश्रित पेय पदार्थ, रस कोई मिश्रित पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ है तो उसमें क्या है? जल है, शर्करा है और नींबू है ना बाबू। लेकिन तीनों का, अब तीनों जब अलग अलग हैं तो सभी एक स्वादहीन है। जल क्या है? स्वादहीन है, उसका कोई स्वाद नहीं है। शर्करा का स्वाद कैसा है? मीठा है। और नींबू का स्वाद खट्टा है, है ना? लेकिन जब तीनों मिल गए तो जो प्राप्त हुआ हमें, जब मिलने के बाद जो निष्कर्ष निकला उनके मिलने का, वह क्या है? रस एक नया स्वाद है बाबू।
एक नया स्वाद है कि नहीं। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? निचोड़। रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है। अब रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? तो जिसका रस क्या है, पहले रस क्या है तो संस्कृत में आता है रसस्यते, रसस्यते असो इति रस, रसस्यते असो इति रस। संस्कृत में रसस्यते असो इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए। रसस्यते आस्वादन किया जाए, असो माने वह, इति माने ऐसा, रस माने रस, जिसका आस्वादन किया जाए वह क्या है बाबू? रस है। अर्थात जिसको चखा जाए, चखना। रस का अर्थ चखना भी निकाल देते हैं, लेकिन रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़। तो रस क्या है? शाब्दिक अर्थ हमें ज्ञात हो गया। रस क्या है? तो जिसका आस्वादन किया जाए, अर्थात रसस्यते असो इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। अब रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, तीन प्रश्न खड़े हुए हैं। रस का शाब्दिक अर्थ, रस क्या है, और तीसरा प्रश्न रस किसे कहते हैं। तो वह छंद रचना जिसको पढ़ने और सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, वह छंद रचना जिसको पढ़ने सुनने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते। क्लियर बाबू? हेडिंग डाल लीजिए रस। संस्कृत में, हाँ बाबू, संस्कृत में रस की व्युत्पत्ति, संस्कृत में रस की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रस, रसस्यते असो इति रस के रूप में की गई है। रसस्यते असो इति रस के रूप में की गई है। हो गया बाबू? अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए हो गया बाबू? लाइन चेंज कर दे बाबू। साहित्य में, साहित्य में काव्य को पढ़ने सुनने अथवा रंगमंच पर, रंगमंच पर अभिनीत दृश्य को देखने से, रंगमंच पर अभिनीत दृश्य को देखने से हृदय को जो आनंद प्राप्त होता है,
उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते, क्लियर बाबू? उसे रस कहते हैं। ध्यान देना बाबू, भारत मुनि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस, कितने रस बाबू? 8 रस। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है, तो कौन सा रस नहीं है? कहा गया है कि 9 रस। रस कितने हैं? 9। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। संस्कृत में है कि नवरस मधुरा कविता मुखरा, संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है कि नवरस मधुरा कविता मुखरा, यानी कि 9 रस होते हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं और उन्होंने कितने रसों को माना है? 8 रस। यानी भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? 8 रसों का वर्णन किया है। तो कौन सा रस ने प्रश्न पूछता है, यूपी बोर्ड में आता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कौन रस नहीं है, 4 विकल्प देता है। तो बाबू, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं है। किस रस का वर्णन नहीं है, गौर कर लीजिएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं है। किस रस का वर्णन नहीं है? शांत रस। क्यों नहीं है इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि नाट्य का तात्पर्य होता है नाटक। अब नाटक में यदि मनुष्य शांत हो जाए, जो जितने रंगमंच पर अभिनेता दृश्य दिखाने वाले हैं, यदि वही शांत हो जाएंगे तो फिर नाटक देखने वाले का क्या हश्र होगा? पब्लिक भाग जाएगी ना, पब्लिक क्या होगी? भाग जाएगी। इसलिए भरत मुनि ने शांत रस का वर्णन नहीं किया है। क्लियर? अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस होते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार कितने रस? 9 रस। 8 इनके और 1 शांत मिलकर के क्या हो गया? 9 हो गए बाबू, हो गए ना। 8 रस भरत मुनि के और 1 शांत रस का वर्णन नहीं किया है। अभिनव गुप्त ने क्या कर दिया? शांत रस को भी ले लिया, तो 9 रस हो गए। क्लियर बाबू? सूरदास के अनुसार सूरदास के अनुसार 11 रस होते हैं। कितने रस? 11 रस। ध्यान देना बाबू, 8 रस इनके
एक रस इन्होंने बढ़ा दिया 9 रस, अब सूरदास ने कितने रसों को माना? 11 रसों को। अब वो कौन कौन से हैं? है ना, तो सूरदास ने वात्सल्य रस, वात्सल्य और वात्सल्य रस और भक्ति रस, को भी रस माना है, को रस सीधे सीधे रस माना है। क्लियर बाबू? बस हो गया, अब उसके नीचे नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, यह आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि भरत मुनि ने कितने, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? 8। भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? 8। क्लियर बाबू? भरत मुनि ने किस रस को का अपने नाट्य शास्त्र में किस रस का वर्णन नहीं किया है? तो शांत रस का वर्णन नहीं किया है। अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस होते हैं, सूरदास के अनुसार 11 रस होते हैं, और सूरदास ने वात्सल्य और भक्ति रस को भी रस माना। क्लियर बाबू? कितना क्लियर ना? अब हमको क्या करना है, पूरे के पूरे 11 रस पढ़ने हैं। इसमें मिटा देना, आगे अगला नंबर है बाबू रस के अंग। रस के अंग, रस के अंग, रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। हाँ, एक लाइन बढ़ाइए यार इसमें। रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला है स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। कभी व्यभिचारी भाव के नाम से पूछ देता है, कभी संचारी भाव के नाम से, तो दोनों को देख लेते हैं, दोनों क्या है, एक ही है। अब स्थायी भाव,
हमारे चर्चा का विषय पहले नंबर पर क्या है? स्थाई भाव। ध्यान दो बाबू कि एक सौ हृदय व्यक्ति के हृदय में, एक सौ हृदय व्यक्ति, अब सौ हृदय का तात्पर्य होता है सज्जन हृदय वाला, दुष्ट हृदय वाले वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि सज्जन हृदय वाला व्यक्ति। तो ये स्थाई भाव एक सौ हृदय व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। सदैव क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। यद्यपि लिख रहे हो का, यद्यपि ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, तथापि उचित अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट हो जाते हैं। जैसे रास्ते पर, रास्ते में जा रहे हैं दो व्यक्ति जा रहा है, एक दुष्ट हृदय वाला, एक सज्जन हृदय वाला। दो व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं और सामने दोनों को दिखाई दिया कि कोई मूर्छित पड़ा हुआ है, कोई मूर्छित पड़ा है, उसको उठाने दोनों में से कौन जाएगा? जो दयालु प्रकृति का होगा, दूसरा छोड़ो जाने दो होगा कोई, लेकिन दयालु व्यक्ति जो सज्जन हृदय वाला है वह पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि जैसे ही वह मूर्छित व्यक्ति को देखेगा, उसके हृदय में सोया हुआ स्थाई भाव जागृत एवं पुष्ट हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण दूसरे तरह से समझते हैं। कभी कभी होता है कि 10, 20, 50 लोगों की भीड़ लगी होती है, घेर करके खड़े होते हैं और हम रास्ते से होकर के गुजरते हैं। जब पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भीड़ लगी है। अब मन में एक भाव जागृत होता है कि क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं? अब दूर से ही देखे तो हमको घर जाना है, बहुत जरूरी है, छूटे हैं, भूख लगी है, घर जाना है। लेकिन हम जब भीड़ को देखते हैं तो मन में क्यों लगी है, क्या कर रहा है लोग, यह सोचते हुए पैर अपने आप उस भीड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो जब भीड़ लगी है तो हम पीछे पड़ जाए, पीछे हो जाएंगे ना। अब पीछे हो गए, उचक उचक के देखना शुरू किए, नहीं दिख रहा है कि आगे क्या हो रहा है। अब धीरे 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 रास्ता बना करके